मेरा नाम है मोहसिन एम सिद्दीक और आज हम एक इमर्जिंग मोबाइल के ब्रांड है क्यों उबर और इस मोबाइल के मोबाइल ने लॉन्च करा है एंड्रॉयड का फ़ोन जिसका नाम है Noid A2। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। जो जुमला फ़ीचर्स उन्होंने बताई हुई हैं बॉक्स के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉडल A2 है, 1 GHz इसका प्रोसेसर है, एंड्रॉयड के वर्जन इसके अंदर 2.3 मौजूद है, रोम इसके अंदर जो है 512 MB है और रैम इसके अंदर 256 MB की है और कैमरा भी है इसका 3.2 MP का और फ्रंट कैमरा है VGA कैमरा। तो अच्छा, इस बॉक्स की बड़ी शानदार किस्म की पैकिंग है, साइड पे इन्होंने 2 GB का कार्ड भी अटैच करा हुआ है। तो आइए इस बॉक्स को खोलते हैं, इसको साइड से पुश करते हैं और इस पे सील लगी हुई है। सील नॉर्मली आपके पास कोई शार्प कटर होना चाहिए वरना आप अपने की से भी काम देंगे। एलिगेंट किस्म का बॉक्स है ये, इसका बॉक्स के साथ इसका जो मोबाइल का कार्ड है और स्केच एंड विन का कार्ड है, आप इसको स्केच करें तो आप इसमें जीत भी सकते हैं। शायद इसको भी हम बाद में स्केच करते हैं, शायद कोई नाम निकल रहा है। और ये मोबाइल फोन है, अगर आप नोटिस करें तो ये आपको एकदम एक तो आईफोन के साइज़ का आपको नज़र आएगा ये, और ये डिज़ायर STC का डिज़ायर एस का जो मॉडल है उससे थोड़ा सा सिमिलर भी है, फीचर्स भी थोड़ी सी सिमिलर है उसकी। इसके अंदर बॉक्स में हम देखें अगर तो दूसरी चीज़ें इसके अंदर जो शामिल हैं वो उसके हेडफोन्स हैं और इसकी डाटा केबल है, इसका चार्जर है, USB चार्जर है, ये जो मोबाइल की सीडी है ये चेक करना पड़ेगा किस चीज़ की सीडी है ये, और बैटरी और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इसकी बुक है यूज़र मैनुअल। उसमें बकायदा स्क्रीन शॉट्स के साथ दिए गए हैं कि इस पर आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, देख रहे जैसे आप उसमें दिया हुआ सारी चीज़ें। तो इसकी बैटरी हम निकालते हैं इसके पैकेट में से, उसको लगाते हैं। अच्छा, फ़ोन की एक और ख़ास बात जो मैंने बॉक्स में पढ़ी है, अब इसको खोल के भी देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। ये साइड से इसके क्यू मोबाइल का जो लोगो है इसके कॉर्नर पे कट दिया हुआ है, यहाँ से आप थोड़ा सा आपके नाखून स्टेबल होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, आप इसको खोल सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि इसमें एक फीचर तो मुझे अच्छी लगी बॉक्स के ऊपर कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और ये ड्यूल सिम है, आप कार्ड भी लगा सकते हैं और ड्यूल सिम है, इसके अंदर बैटरी लगाते हैं अपने। तो बैटरी भी इसकी 4.8 आता है, इसका पावर का बटन ऊपर है, और ये इसकी फर्स्ट लोके स्क्रीन की लॉकिंग भी आसान है। अच्छा, इसके आइकन दूसरे HTC फोन के मुकाबले में तो ज़्यादा कलरफुल है, जैसे आप Huawei के देखेंगे या सैमसंग के देखेंगे तो इसके आइकन ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके अगर हम स्पेसिफिकेशन और देखें इसके मेक की, पहले बंद करें, केस हमने लगा दिया है। अच्छा जी, तो
इस पे पीछे स्पीकर्स दिया हुआ है, 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट पे भी इसके कैमरा है जो कि वीजे कैमरा है। प्लस इसमें होम का बटन है स्टार्टिंग में, इसके बाद मेन्यू का ऑप्शन का बटन है जो राइट क्लिक भी हम कह सकते हैं उसको, बैक का बटन है, उसके बाद फिर सर्च का बटन है, स्क्रीन पे ही दी हुई है सारी चीज़ें। साथ में इसके साइड पे वॉल्यूम से बटन है जो है राइट हैंड साइड पे, जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पावर का बटन ऊपर है और जो बारी वाली यूएसबी पिन की केबल है यहाँ पर लग सकती है। और इसका ऑडियो जैक भी 3.5 mm का जो है एक स्टैंडर्ड जो सीरियो हेडसेट का साइज है ये है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है क्योंकि 1 GHz का प्रोसेसर है और अभी तक मुझे स्कोलिंग में या किसी भी चीज़ में कोई इशू आ नहीं रहा। और इसकी प्राइस जो कि इस वक्त 8,900 समथिंग की है, तकरीबन 9,000 रुपये समझ लें, उसमें मेरे ख्याल से ये मार्केट में सबसे बेस्ट बाय फ़ोन है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन अफोर्ड करना चाहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं जिसकी अच्छी स्पीड है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप क्यों मोबाइल पर नॉइड सीरीज़ के ये मोबाइल फ़ोन ज़रूर खरीदें। शुक्रिया।